मैं शक्ति शर्मा, मैं रेड़ी फड़ी लानी है जी। मेरे हस्बैंड 10 साल तो बैठते हैं कोमा च, ते मैं खुद काम कर रही हूँ। ते मैं सानू सरकार ने इतों तक देख लो सानू नकारा करता। उदा तो बड़ा कहें कि लेडीज़ लिए बहुत कुछ किया, वैसे बहुत कुछ कर रहे हैं लेडीज़ वास्ते। ये कर रहे हैं धरने लवा रहे हैं लेडीज़ को, दिन रात इतने सो रहे हैं। 2 महीने हो गए मैं खुद सो रही हूँ इतने जेंट्स विच, पर सरकार गंदी नू शर्म नहीं आ रही। लेकिन आ 2 बच्चे साढ़े नौजवानों ने इन्होंने आत्महत्या की है, और तीजी बारी मेरी है। मैं सरे आम कह रही हूँ तीसरी बारी मेरी है। 1 हफ्ते का तुहानू मैं दस रही हूँ, 1 हफ्ते बाद जे साड़ी कोई रेड़ी फड़ी दा दी मांग पूरी ना की गई तो असी मैं खुद 1 हफ्ते तुहानू मार के दिखाऊंगी। मेरी जिम्मेवार कैप्टन सरकार, कांग्रेस सरकार, जो गंदी इन्नी सरकार आ गई, साड़ी जिंदगी रोलती, गरीबी नहीं, गरीबा नू ही चक दिता इन्होंने। मैं 1 हफ्ते इन्हों मार के दिखावगी अगर जे इन्होंने साडा कोई हल ना कढ़िया। अज का साडा जिहड़ा रेड़ी फड़ी यूनियन रोस प्रदर्शन है, और साडे जिहड़े रेड़ी फड़ी वाले दो साडे वीर जिहड़े जिन्हां ने खुदकुशी करके आत्महत्या करके अपने जिहड़े परमात्मा दे चरणां विच गए चले, उन्हां वजों रोस प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार नूं मैं 2 महीने तो पहला जदों शुरुआत की सी इन्हां ने बंद करन दी, मैं सरकार नूं बार बार कहिंदा रहा, मेयर साहब नूं कहिंदा रहा और मंत्री साहब कोल वी गया, पर इन्हां ने कोई गलती अमल ना करके ये जिहड़ा स्थिति पैदा करती इहदी सरकार जिम्मेदार है, मंत्री आशू जिम्मेदार है, मेयर जिम्मेदार है। मैं इन्हां नूं बार बार कहिंदा सी भाई इन्ना जुलम ना करो, इन्ना इन्हों ना सताओ भी जिहड़े लोग दूसरे राह ते चले जाण, पर अज और रिजल्ट इन्हां नूं सामने नज़र आ रहा है। मैं अज भी कहना सरकार नूं, ये निकम्मी सरकार की निशानी है भी जिहड़े अगे तक किसान खुदकुशी करते सी, हुण रेड़ी फड़ी वाले खुदकुशी करन दे मजबूर करता इन्हां ने, इन्ना मजबूर कर दिता भी इन्हां रुजगार बंद करता, किसी नूं काम नहीं करन दिता जा रहा। पर जिहड़ी साडी पॉलिसी सी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा फैसला सी, उन्होंने भी इन्होंने परे रख के अपना फैसला लागू करके लोगों ने बर्बाद करता और बच्चों का रुजगार खोलिया। अज उन्होंने बच्चे जोड़े भुखे मर रहे हैं, फीसां तो तरस रहे हैं। इन्नी निकम्मी सरकार, ये निशानी निकम्मी सरकारों की और यहोजे मंत्रियों की, ये मेयर की गंदी निशानी है। तो मैं अज भी कहना अगों तो यहोजी स्थिति ना हो, हूँ भी बंदे के पुत बन जाओ, हूँ भी सरकार बंदे की पुत बन जाए, इन्हों का बनता हक जरा दे दे। अगर वेंडिंग जोन तुहाडे कोल टाइम लगता है तो इन्होंने उत्थे ही काम करने की इजाजत दी जाए। अज मैं फिर कहना, नहीं तो रेड़ी फड़ी यूनियन जिहड़ा संघर्ष छेड़ के बैठी है इन्हू होर तेज़ करके, जे तुसीं सानू नहीं सौन देना तो असीं तुहानू नहीं सौन देना। जो असीं डर कहिंदे सीगे सरकार जिहड़ा धक्का कर रही वेंड जोन है, 2 बच्चे नौजवान एक रकेश कुमार ते सचबीर सिंह मंगू जिहड़ा 4 भैण का एक इकलौता भरा सी जिहनूं मंग के लिया सी, उह सुसाइड कर गया। शर्म आनी चाहिए अज सरकार नूं, गरीब की हाय लै रहे, गरीब की हाय के नाल पर्वत भी पहाड़ जाता। तो जिदा करोना वायरस वड्डे वड्डे देशों जिदा फ्रांस के कहते एक मच्छर नहीं, उत्थे भी वायरस मार गया, क्योंकि जो आप बुरा काम करांगे परमात्मा की लाठी पैंदी है जिहदी आवाज़ हुंदी, ते किते इह ना होवे पंजाब सरकार ते इहो जी मार पवे जिहड़ी सही ना जा सके। अज मुगलों का राज, मैं कह सकता भी मुगलों का राज ते सरकार चल रही है, वध गई चुकी है। तो मैं उम्मीद करदा जे ये हालात ना सुधरे तो इहदी जिम्मेवार खुद कांग्रेस सरकार होगी, तो आने वाले टाइम च इहदे सिट्टे गंभीर निकल। तीन साल पूरे हुए रोजगार की देने से, आ तुसीं देखदे रोजगार लोग सड़कों पर बैठे है, सारे हर वक्रे वक्रे खिते वाले सड़कों पर बैठे हुए। असी एक बंदे ने एक कागज़ बनाया भी 10 चो अद्धा नंबर दिता, मैं कहता अद्धा नंबर क्या दिता, कहिंदा अद्धा नंबर माफिया दिता। माफिया जरूर बता दिता गया, गैंगस्टर जरूर बताए गए, रेत माफिया बन चुका, नशा माफिया बन चुका, कंट्रोल की करना सी 100-100 गुणा बढ़ाता। तो मैं उम्मीद कर रहा हालात चंगे नहीं है, कैप्टन साहब को इस्तीफा देना चाहिए इस गल। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.